प्यार जब बात ना करे, प्यार जब दूर चला जाए, सब कुछ बर्बाद होने लग जाए। कुल मिला के सीधे शब्दों में कहें, जब प्यार में आपकी सांसें बोझिल लगने लग जाए, तो पता क्या लगता है? कुछ ऐसा सरल, सहज, वास्तविक, रियल तरीका जिससे सब काम फटाफट हो जाए। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर आपके जीवन में प्यार भरना, आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ को पूरी तरह से शेड्यूल करना, पूरी तरह से सुव्यवस्थित करना और आपके पक्ष में खड़ा करने का एक अद्भुत साधन है। प्यार में आ रही किसी भी समस्या का, रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की दिक्कत, शादीशुदा लाइफ में किसी भी प्रकार की समस्या, उसका सीधा समाधान का नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। पिछले 200 सालों से लाखों कन्याओं का घर बस गया, पिछले 200 सालों में लाखों बेटियों का जीवन सुखमय हो गया, लाखों परिवार फिर से जुड़ गए, लाखों तलाक रोक दिए गए। और इतना ही नहीं, ये संवेदना इस आधार पर आगे बढ़ी कि लोगों के पर्सनल रिलेशनशिप और लव लाइफ बहुत बेहतर हो गई और ये विवाह तक बात पहुंची। इसके निरंतर आगाज होते रहे और आप इसे देखते चले गए। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है और ये बहुत समय से चला रहा है। खुले प्लेटफॉर्म पर, मंच पर बात करना, आपको पता है उंगली का, सिर्फ एक उंगली के नाखून को काटकर यहाँ गाड़ने से आपका प्यार आपका हो सकता है। आपके प्यार में आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती हैं अगर उसके ऊपर कुछ किया कराया है, उसका मन किसी ने चेंज कर दिया है या उसके ऊपर किसी और दूसरे व्यक्ति का, दूसरे लड़की या लड़के का प्रभाव दिख रहा है, उसे भी खत्म किया जा सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में परिवार का कोई आ रहा है या कोई बाहर का आ रहा है या उनकी वजह से ही सब चीजें अस्त व्यस्त हैं, तो भी इसे ठीक किया जा सकता है। इसके आज 2-3 पहलू बताऊंगा, 2-3 तरीके से आपको इस पर वर्क बताऊंगा और इसे बड़ा तरीके से करना, बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ करना, लेकिन सावधानी कि बहुत पावरफुल है, बहुत अतिशय शक्तिशाली है, दुरुपयोग मत करना, क्योंकि ये ऐसा प्रयोग है कि जो त्वरित काम करता है, लोगों के जहन पर चढ़कर का वर्क करने लग जाता है। दंता कुर्दष्टि पदपांक राक्षी रोमम शरीरम अदरश्य श्यामः उच्चस कपाटम यसव शनाभि राजस्य कन्या बहुतस्य त्यागी। पहले लोग कहते थे राजाओं की कन्या में भी अगर ये गुण हैं तो छोड़ देना चाहिए, ऐसे पुरुषों के भी बहुत सारे लक्षण हैं, इनको त्याग देना चाहिए। लेकिन अगर प्यार त्याग के चला जाए, तो रिश्ता हो जाने के बाद कोई त्यागने की बात करने लग जाए, तो क्या करें? बोले दंतान बिना भक्षति चर्म दंडीम। बोले कुछ ऐसी शक्ति जिसको दांत तो नहीं है फिर भी वो सब कुछ खाता है, पैर तो नहीं है पर सब जगह चलता है, कान तो नहीं है पर सब सुनता है, मुख नहीं है पर सब कुछ बोलता है, ऐसी अद्भुत शक्ति का आगाज हो रहा है आज। बिनु पग, बिनु पग चल ही सुनही बिनु काना को विधि कर्म करे विधि नाना, को विधि कर्म करे विधि नाना। और पता है बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के बहुत प्रबल वक्ता है, एक ऐसा शक्तिशाली प्रयोग जो त्वरित काम करता है, यही तो कह रहे, एक ऐसा शक्तिशाली प्रयोग तो इमीडिएट वर्क करता है। जरा तुम ध्यान से समझना, जो बुरे कर्म करने वाले हैं उनके लिए मैं बात कह रहा हूं, तुम सब अच्छे बच्चे हो, तुम्हें बहुत बार समझाया है, पहले तुम लोग समझ लो फिर आउटसाइडर्स की बात करेंगे। तुम उन लोगों का वीडियो कभी मत देखना जिनके सिर्फ हाथ दिखाए जाते हैं, जो स्वयं वीडियो में नहीं देखते, पहला काम। दूसरा, उन लोगों की वीडियो बिल्कुल मत देखना जो शास्त्रोक्त बात नहीं करते, प्रमाण नहीं बता पाते कि ये बात कहां से कर रहे हैं। तीसरा, उन लोगों की वीडियो कभी मत देखना जिनका कोई खुद का प्रमाण नहीं है, जिनका अपना अस्तित्व नहीं है, जिनकी निजता स्वयंवता में कोई बल ताकत नहीं है, क्योंकि देखो बर्तन का फर्क पड़ता है,
तुम कभी मिट्टी के बर्तन में चाय पीना, कभी कप में पीना, कभी और अच्छे कप में पीना, फिर थोड़ा और अच्छे कप में पीना, थोड़ा थोड़ा और अच्छे कप में पीना, फिर चांदी के, फिर सोने के, ऐसा कभी अवसर लगे तो करना, फिर देखना वही एक ही चाय हर बार कुछ और टेस्ट दे रही होगी। हा? पात्रता का बड़ा फर्क पड़ता है। अपात्र दीयते दानम तद्दानम दानशम प्रथम। भैया अपात्र को दान नहीं देना चाहिए, अपात्र को न दान देना चाहिए, ना ही अपात्र से कोई ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि खराब ज्ञान बहुत बुरा होता है। गलत जानकारी, गलत नॉलेज, गलत उपाय आपके हजारों लाखों जन्मों के पुण्यों को नष्ट करने के लिए इतना ही सफिशिएंट है। चलो सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं, उसके पहले आपको आपके बीच से एक अनुभव दे देते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्यार देने, गुरु जी की वजह से कल मेरे प्यार ने मुझे कम कर दिया। मैंने सोचा नहीं था कि कभी कॉल, लेकिन कल उसका कॉल आया, मैं बहुत खुश हूँ। ये सब गुरु जी आपकी कृपा से हुआ है। हमेशा हम पर ऐसी कृपा बनाए रखिएगा गुरु जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे, जो तुम चाहते हो सब तुम्हें मिले, ऐसी शुभकामनाएं। अब मैं बात कर रहा हूं कि एक उंगली का नाखून काट करके यहां गाड़ देने से आपका प्यार आपके पीछे भागेगा, आपका प्यार आपका हो जाएगा, आपका रिलेशन, आपका रिश्ता, आपका संबंध, आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन पूरी तरह से आपके पक्ष में खड़ा होगा। ये उपाय आप अपने पति पत्नी के लिए कर सकते हैं, रिलेशनशिप में कर सकते हैं, प्यार में कर सकते हैं, दोस्ती में कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी आप ये कर सकते हैं, क्योंकि सहज उपाय है, तंत्रोक्त है थोड़ा, लेकिन फिर भी वेदोक्त है। वेद और तंत्र को आपस में संलग्न किया गया है, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। ये उपाय जिस दिन करना है उसके एक दिन पहले रात्रि में कच्चे दूध से आपको अपने नाखूनों को अच्छी तरीके से धुलना है, लेकिन उसके बावजूद बाद पानी नहीं लगाना। पहले आप जो भी अच्छी तरीके से वॉश करना चाहते हैं, सैनिटाइजर लगाना चाहते हैं, साबुन से धोना चाहते हैं, जो चाहते हैं कर लीजिए, फिर कच्चे दूध से उंगलियों को भिगो करके खूब रगड़ दीजिए, और उसके बाद उसे ना ही पोछना है और ना ही उसे धुलना है, ऐसा करके रात्रि पर विश्राम कीजिए। प्रातः उठते ही सबसे पहला काम, आप अगर महिला है तो आप अपनी दाहिनी रिंग फिंगर, अगर आप पुरुष हैं तो अपना बायां रिंग फिंगर ले लीजिए, और थोड़ी देर कुछ क्षण सबसे पहला बिना ब्रश किए, बिना कुछ काम किए, थोड़ी देर अपने मुख में उस उंगली को रखिए, और आगे का थोड़ा सा नाखून ब्लेड से या नेल कटर से काट के साइड में कागज में रख दीजिए। दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होइए, पूजा पाठ कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आज का उपाय हमारा बहुत सार्थक हो और कल्याणकारी हो, और इस नाखून को अपने बीसों के बीसों नाखूनों में स्पर्श कीजिए, दस हाथ के दस पैर के, और किसी भी मिट्टी में एटलीस्ट तीन अंगुल नीचे इतना अंदर दबा दीजिए। गमले में दबाया जा सकता है, बाहर दबाया जा सकता है, कहीं कच्ची मिट्टी में, पार्क में, इत्यादि में, कहीं भी दबाया जा सकता है। जब आप दबा रहे हो, जब खोद के अंदर डाल रहे हो उस पर से मिट्टी, जब आप बंद करें, दबाने के पहले नाम लेकर के कहिएगा तुम्हें ये करना है, जिसके लिए जो चाहते हो वो कहकर अपनी बात बंद करके चले आइए। बस इतना करना मात्र है, इतना करने से आपका काम त्वरित हो जाएगा। ये किसी भी दिन किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है, शुद्धि अशुद्धि का कोई दोष नहीं है इसमें। आप पूरी तल्लीनता के साथ करें, मन से रहें, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, सुव्यवस्थित रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। प्रीवियस लाइफ में बताना, अपना बहुत ख्याल रखना, रोना बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, उल्टा सीधा सोचना टोटल मना है। ऐसा करने से बहुत सारे दिन बर्बाद हो जाते हैं और काम नहीं होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिए, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा पिता भी हूँ, तुम्हारा दोस्त भी हूँ, तुम्हारा गुरु भी हूँ। अरे कुल मिला के तुम ये समझना कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम पर कोई आपदा नहीं आने पाएगी। ओम नमः शिवाय।